समाचार। इस बीच खबर कन्नौज से है, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। हमले में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घर से सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे थे, ये घर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे थे, ये भी गलत है अगर आप घर में ऐसा कर रहे हैं। घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात है। सदर कोतवाली के कागजियाना की ये घटना है, खबर कन्नौज से। और अब तो पुलिस पर हमला करना ही का मतलब ये है कि आप पर सीधे NSA लगेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, देखिए पुलिस टीम पर हमला किया गया है। हमले में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये अपने लिए नहीं, आपकी सहूलियत के लिए ही ड्यूटी कर रहे हैं और मना कर रहे हैं, और आप इन पर ही हमला कर रहे हैं। पुलिस पर हमला करने वालों पर अब सीधे NSA लगाया जाएगा। लॉकडाउन में पुलिस पर अगर आपने हमला किया तो आप पर NSA लगेगा। आरोपियों पर रसुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, प्रदेश में कई जगह पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस पर हमला करने वालों पर NSA लगेगा। लॉकडाउन में पुलिस पर कई जगहों पर हमला किया गया है। आरोपियों पर रसुका के तहत कार्रवाई होगी। प्रदेश में कई जगह पुलिस पर हमला हुआ है, और अब अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, पुलिस की ड्यूटी में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो आप पर रसुका लगाई जाएगी। पुलिस पर हमला करने पर NSA लगेगा, यानी आप पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देशद्रोह का, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं तो NSA का मतलब यही हुआ कि आप पर देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा सीधे। ये बड़ी खबर है, क्योंकि कई खबरें ऐसे सामने आई जब पुलिस पर हमला किया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, तबलीगी जमात के लोगों पर NSA लगा है। गाजियाबाद में क्वारंटाइन लोगों पर NSA लगा है।